हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपी ऑनलाइन सॉल्यूशन में। इस चैनल में आप सभी लोग के लिए गवर्नमेंट जॉब एग्जाम एंड ऑनलाइन अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिया, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी का आप लोग ऑनलाइन एग्जाम कैसे दे सकते हैं। अगर उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले अपने ब्राउजर मोबाइल पर आ जाएँ या फिर आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप किसी भी ब्राउजर पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे अपना जो डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी के जो ये देख सकते हैं वेबसाइट है डॉक्टर सी वी आर यू सी जी आई सेट एग्जाम डॉट कॉम, इस वेबसाइट पे आपको चले जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो वहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके भी आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही इसको आप लोग ओपन कर देख सकते हैं इस तरीके का पेज आप लोग स्टार्टिंग जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे एक आईडी और पासवर्ड आप लोगों को डालना है, जो कि आप लोग जिस भी कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ रहे हो वहाँ से आप लोगों को यहाँ पे रिसीव हो चुका होगा। ठीक है, तो आप लोग इस यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी जो कि एम से स्टार्ट होगा और लास्ट में हो सकता है एच हो या जैसा भी हो, आप लोगों को देख लीजिए जो यूजर आईडी होगा। और पासवर्ड आप लोगों का ई से स्टार्ट होगा जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, एनरोलमेंट नंबर बोल सकते हैं उसको। तो उसको आप लोग यहाँ पे डालने के बाद लॉग इन कर लेंगे। जैसे हम लोग पहले इसमें लॉग इन कर लेते हैं, लोगों ने यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का नाम वगैरह यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी सब्जेक्ट हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पे पीजी डीसीए की बात कर रहे हैं, हो सकता है आपका डीसीए हो या कोई भी कोर्सेस हो, तो आप लोग इसका एग्जाम कैसे देंगे ऑनलाइन। तो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे पीजी डीसीए का देखते हैं, तो पीजी डीसीए में आप लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोग का यहाँ पे मिल जाएगा सब्जेक्ट, इसको आप लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है सभी सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। उससे पहले यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस और प्राइवेट दिया हुआ है। डिस्टेंस प्राइवेट, ये सिर्फ प्राइवेट दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस प्राइवेट। तो इस तरह आप लोग सब्जेक्ट के पीछे जो लिखा हुआ है डिस्टेंस या प्राइवेट, उसको आप लोगों को ध्यान देना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्राइवेट है तो आप लोग प्राइवेट के अकॉर्डिंग प्राइवेट का जो पेपर है उसको आप लोगों को सिर्फ देना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डी बी एम एस विद एम एस एक्सेस है, इसको आप लोगों को देना है प्राइवेट वालों को। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग फॉक्स प्रो जो है ये डिस्टेंस वालों को, तो इसको प्राइवेट वाले हैं उन लोग को नहीं देने की जरूरत है, और जो डिस्टेंस वाले हैं उन लोग को ये प्राइवेट वाला देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे चलेंगे इस सेमेस्टर टू में। तो ये सब आप लोगों को एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग करना कुछ नहीं है, जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा जिसका भी टाइम टेबल आप लोगों को मिल गया होगा आई थिंक आप लोगों को इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों को डिस्टेंस और प्राइवेट दोनों को देना है। ठीक है, जब आप लोगों को पेपर एक कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे टिक मार्क आ जाएगा। तो जो पेपर है आज आप लोगों को 10 बजे से स्टार्ट होने वाला है, जबकि मैं वीडियो जो शूट कर रहा हूँ 9:45 पर शूट कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा जब भी आप करेंगे। तो जैसे इसको हम लोग क्लिक करेंगे जो पेपर को, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है अलाउ 3 अटेम्प्ट, मतलब आप लोग अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है, कुछ गलती हो जाता है, तो आप लोग 3 अटेम्प्ट में इसको दे सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं मैं नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा कर सकता हूँ, आप लोग 2-3 बार अटेम्प्ट तक इसको दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो देख लीजिए यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि किस दिन आप लोगों का पेपर होगा। तो आप लोगों का 23 नवंबर से आप लोगों का पेपर है और यहाँ पे 10 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, जब भी पेपर होगा तो आप लोगों को टाइम वगैरह दिया होगा। इसके बाद यहाँ पे क्लोज कब होगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 23 नवंबर को 7:30 बजे तक। तो आप लोगों का पेपर जो देने का है 10 बजे से स्टार्ट होगा, 7:30 बजे तक आप लोग पेपर किसी भी टाइम में दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 10 बजे से ही देना है या 11 बजे से देना है या 12 बजे से, जब आपको ठीक लगे जिस टाइम पे आप फ्री हों। ठीक है, या आपके इंस्टीट्यूट वाले जिस टाइम पे भी बोले हों आप उस टाइम पे जाकर उस पेपर को दे सकते हैं। अगर आप लोगों का ऑनलाइन घर से एग्जाम हो रहा है तो आप किसी भी टाइम पे 7:30 बजे से पहले और 10 बजे के बाद कभी भी आप लोग इसका पेपर दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं टाइम लिमिट जो है आप लोगों का 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। टोटल जो है टाइम जो है ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का 1.5 घंटे में मिलेगा, तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्विज नॉट करेंटली नॉट अवेलेबल, जब होगा तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है एग्जाम को, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1-2 बार आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं तो आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस एक आध बार कुछ गलती भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे 3 अटेम्प्ट दिया हुआ है, 3 अटेम्प्ट में कभी भी आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए विंडोज एम एस ऑफिस
डिस्टेंस और प्राइवेट दोनों के लिए है। तो इसका जो टाइम टेबल है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 24 नवंबर को दिया होता है, 24 नवंबर को स्टार्ट होगा। तो सभी का इसमें जैसे ओपन करेंगे तो आप लोगों को डेट वाइज दिख जाएगा, तो आप उस डेट में ही जाके उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।